तो A2 ते पहुंचना हैगा, वही फेस इनपुट साइड तो L3 तो हुंदा होया T3 तो हुंदा है NC तो A2 नूं पहुंचेगा। मतलब सेम फेस हैगा पर पहुंचेगा कदों, जदों यह कंट्रैक्टर ऑन होएगा, क्योंकि ऑन होने की सूरत में ही जिहड़ा इनपुट इन्हें NC बनना है, या इत्थों सप्लाई L3 तो T3 ते पहुंचनी है ऑन होने की सूरत। तो सो यह जिहड़ा सर्किट सीगा, इस तो बाद फिर असीं इहनूं ऑन करन दे लई हुण असीं चैक भी करनी हैगी, वर्किंग कोई इंडीकेशन भी होनी चाहिए हैगी, तो उहदे लई असीं जिहड़ा लैंप नूं यूज़ करांगे, लैंप नूं आर फेस असीं देना हैगा, तो असीं इत्थों दे सकदे हां, क्योंकि जदों NC ते पहुँच गया, NC 22 इस पॉइंट ते जदों पहुँच गया जिथों के A2 नूं सप्लाई दित्ती हुंदी है, जे इत्थे फेस पहुँचदा हैगा तां इट मीनस की हैगा, मोटर ये मतलब जोड़ा है कंटैक्टर ऑन हो गया, कंटैक्टर ऑन की इंडीकेशन देखने लिए इतों ला लिया, तो हम उ लैंप में जो न्यूट्रल असी देता फेस आर न जुड़िया हुआ लैंप के आर जोड़ा है इतों पॉइंट चक के NC 20 तो ये लाता है, ताकि लैंप की इंडीकेशन जस्ट हो जाए। इस तरह जोड़ा है ये सर्किट लगभग कंप्लीट हो गया। हम न्यूट्रल देने लिए असी डायरैक्ट वायर जी है इतने एक छड़ी हुई सी, तो फेस देने लिए जोड़ा है असी इनपुट साइड ये रखी हुई हैगी एनो दी, ये असी फेस के लिए एक एक्सट्रा कनैक्टिंग लीड लगा लें, कनैक्टिंग लीड लगा के ये फेस इतने आ गया। हम ये दोनों वायरस फेज वाली इनपुट साइड फ्रॉम पुश बटन फेज वाली एक, तो दूसरी जी है इधर न्यूट्रल वाली, क्योंकि न्यूट्रल कॉमन दिता हुआ दोनों बल्ब अपने जो इंडीकेटिंग लैंप है उन्होंने भी, तो जोड़ा है कोयल में कोयल का न्यूट्रल इधर A1 से, तो वो इन दोनों जोड़ा दिता हुआ ये दोनों वायर में जोड़ा है असी हूँ सॉकट के लगा दें, ठीक है। मैं तुम्हें पहला भी दसा सी चैक करने की लड़ नहीं, फेस तो न्यूट्रल इंटरचेंज भी होंगे, तो कोई गल नहीं, जस्ट समझाने वास्ते थानू, ठीक है। हम जे इस जिस तरह के एक मोटर के जे असी जोड़ा है ये तो NC ही है पॉइंट, इनू मन के चलते ऑफ बटन वाला NC, जे इनू ऑन कर देंगे तो अपने आप मोटर ने ऑन नहीं होना, ये देखो ऑन करता है सारे ओमे का ऑन है, इंडिकेटिंग लैंप भी ऑन नहीं होगा, तो फिर ऑन किवें होगा जे असी पुश बटन तो ऑन कर देंगे है। पुश बटन की थान पर आप लिमिट स्विच वरत्या होया एनो पॉइंट्स वरत्या होया, ये साड़ी क्रिएटिविटी है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड तो साढ़े को पुश बटन मार्केट के अरेंज करने मुश्किल से, तो मैं घर तो ये वीडियो बना रहा हूँ, जब इन प्रेस करते हैं तो इतने कंटैक्टर ऑन हो चुका है, कंटैक्टर ऑन होकर यह लैंप जोड़ा है ऑन हो चुका है, लैंप ऑन होने का मतलब यह है कि लै कंटैक्टर के आउटपुट साइड से सप्लाई पहुँच चुकी हैगी है, तो यह मतलब एक पॉइंट जोड़ा है L3 तो T3 तक पहुँच चुकी है, तो नाल ही जो कंटैक्टर होल्ड भी हो गया, चाहे असी इनू छड़ भी दिता है पुश बटन में छड़ भी दिता है, पुश बटन में छड़न का मतलब इन्हों सप्लाई आनी बंद हो गई है। देखो जे इसको उतार भी देवे, उतार भी दिता है इन वाली साइड तो, ये मतलब A2 नूं सप्लाई इतनों बंद होगी, यदा मतलब स्पष्ट है उतारन तो बाद यह NY तो A2 नूं सप्लाई पहुँच रही हैगी, ठीक है। इस तरह जी इसकी वर्किंग चैक होगी। हुण की है आम तौर पर कहिंदा जदों पिछों पावर फेलियर हुंदा हैगा जां पावर कट लगदा हैगा तां जिहड़ा अपना मोटर बंद हुंदी हैगी आ ते अपने आप ऑन नहीं हुंदी, हुण आपां इह पावर फेलियर करता हैगा, पावर फेलियर करता तां इधरों सप्लाई चली जाण करके लैंप ऑफ हो गया, मीनस मोटर जी बंद हो गई है। हुण जे सप्लाई आउंदी हैगी आ तां मोटर ऑन अपने आप नहीं होगी, जदों इत्थों ऑन करता सप्लाई आ गई पर मोटर अपने आप नहीं आउंदी, जदों पुश बटन तो ऑन करदे हैगे आ मोटर ऑन उदों ही नहीं होंदी हैगी, मोटर ऑन उदों ही होंदी आ पुश बटन तो ऑन करदे। सो यह जिहड़ा हैगा मैं अरेंजमेंट तां कीता सीगा, मैं कहा प्रैक्टिकली भी तुसीं देख सको ये वर्क किदां करदा हैगा, तो जे चंगा लगे तो शेयर भी करना बच्चो, तो ये तुहानूं होर भी आइडिए क्लीयर हो जाते हैं कंट्रोल सर्किट के, उम्मीद करते हैं भी असीं इहनूं होर भी डिवेलप करांगे, पूरा ट्रेनर स्टार डाटा स्टार्टर वाला बनावांगे, खर्चे काफ़ी है कर रहे हैं करते रहांगे यथाशक्ति, तो ये तुहाडे लई बनाए हैगे आ, जे तुसीं ITI आउंदे आ तुहानूं ये प्रैक्टिकल करन नूं भी मिलेगा।